देखिए, आज हम सब ने अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से और सभी परिवार के लोगों ने आज गोवर्धन जी की पूजा की है। मान्यता है कि जब ब्रज में हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसके बाद इंद्र देव ने गांव वालों को परेशान करने के लिए, गांव वालों को प्रताड़ित करने के लिए बहुत तेज़ आंधी और बारिश का प्रकोप गाँव वालों पर करा। उसको जब श्री कृष्ण जी ने देखा तो उन्होंने गोवर्धन नाम के पर्वत को अपनी कनकी उंगली पर उठाकर, वो इतना विशाल पर्वत था जिसमें पूरा गांव समा गया था, वो उसकी छाया के नीचे पूरा गांव आ गया था, और श्री कृष्ण जी ने अपनी कनकी उंगली पर उसको धारण करके पूरे गांव वालों को उस प्रकोप से बचाया था। जब इंद्र ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण जी के शरण में आके उनसे माफ़ी मांगी और इस प्रकोप से उन्हें छुटकारा दिलाया। तभी से श्री कृष्ण भगवान की और गोवर्धन की पूजा करी जाती है, और क्योंकि ये बहुत पुरानी मान्यता है तो हम सब मिलकर इस पूजा को करते हैं। ये हम लोग अपने घरों पर जो है श्री कृष्ण जी की एक प्रतिमा बनाते हैं, गोबर से लेप कर और गोबर की प्रतिमा बनाते हैं। उसके बाद हम सब उसको दीपक जलाकर, खेल खिलौने जलाकर, उससे उनको खेल खिलौने चढ़ाकर और 7 परिक्रमा उनको गोवर्धन जी की लगाई जाती हैं, और हर परिक्रमा पर गोवर्धन जी की प्रतिमा पर खील बताशों से उनको भोग लगाकर और सबकी अच्छी उन्नति के लिए हम लोग कामना करते हैं, ताकि सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। आज हमारे इस जो हमारी पूजा थी, इसमें हमारे परिवार के लोग, श्री विकास अग्रवाल जी थे और हमारी मीनाक्षी थी, तरुण जी थे, और हाँ, वैश्य समाज के हमारी सब इसमें काफ़ी तरह लोग रहे, और सबकी लंबी आयु के लिए और सबके स्वस्थ जीवन के लिए।